व्याख्यान करे में भंते सामायिं सावज्जम जोगम वच्चक्खामि जाओ नियमम उत्तंग एकम बज्जा समी दुविहम तीर्णंग न करे न कार्य में मनसा ऐसा कैसा तस्य भंते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अपाणं घोषिरामि। एक मुहूर्त तक दो करण की नियोक्ष सर्व शाद्योक्ष करने का त्याग है। पांच बार नमस्कार मंत्र करेंगे। चौदह बोलों की हम चर्चा कर चुके हैं। पंद्रहवें बोल में एट टाइप्स ऑफ सोल उसकी हम चर्चा करेंगे। व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट हमें आत्मा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। प्राचीन समय से ही आत्मा के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। अनेक लोगों ने आत्मा को जानने के लिए अनेक प्रयोग किए, अनेक परीक्षण किए। आज से 2500 वर्ष पहले कौसाम्बी नगरी के शक्तिशाली राजा प्रदेशी, उन्होंने भी आत्मा को जानने के लिए अनेक प्रयोग किए, क्योंकि उनका विश्वास नहीं था आत्मा नाम की भी कोई चीज होती है। आत्मा को जानने के लिए कई प्रयोग किए, उसमें से मैं आपको एक दो प्रयोग बताती हूं। एक प्रयोग उन्होंने किया था, एक व्यक्ति मरणासन्न की स्थिति में था, यानी मृत्यु सया पर लेटा हुआ था, लास्ट टाइम चल रहा था। उस समय राजा प्रदेशी ने उस व्यक्ति को कोपर का जो घड़ा होता है उसके अंदर डाल दिया, कोपर के घड़े को सील कर दिया, यानी पूरा बंद कर दिया, पैक कर दिया। कुछ घंटों के बाद जब घड़े को खोला गया, देखा व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। कोपर को चेक किया, जो कोपर का घड़ा था उसको चेक किया कि कहीं होल है या नहीं, आत्मा कहां से गई। लेकिन उस घड़े में कोई भी होल नहीं था। तो राजा प्रदेशी चिंतन करने लगे, आत्मा कहां से चली गई। अगर आत्मा होती तो जरूर कोई ने कोई छिद्र होता, होल होता, लेकिन कोई भी छिद्र नहीं हुआ है। इससे सिद्ध होता है आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा प्रयोग उन्होंने किया, एक व्यक्ति जो एकदम बीमार था, उस व्यक्ति को लेकर के आए। उस व्यक्ति की बॉडी के अलग अलग टुकड़े किए गए, लेकिन कहीं पर भी उनको आत्मा नाम की चीज दिखाई नहीं दी। उन्होंने बहुत प्रयोग किए, परीक्षण किए, लेकिन उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया। आत्मा को जानने का प्रयास वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं अनेक प्रकार के, लेकिन वैज्ञानिक भी अभी तक आत्मा को नहीं जान पाए हैं, वहां तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई है। क्योंकि वैज्ञानिक जो भी प्रयोग करते हैं, उनका जो प्रयोग होता है वह भौतिक वस्तुओं पर होता है। भौतिक वस्तुओं से भौतिक वस्तुओं को हम जान सकते हैं, लेकिन अमूर्त आत्मा को नहीं जान सकते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं हमारी बॉडी में कोई न कोई एक ऐसा तत्व है जो अदृश्य शक्ति है, जो चेतना के रूप में काम करती है, लेकिन वो जो चेतना नाम का जो पदार्थ है, यानी जो चेतना है, जो आत्मा है, वो हमें दिखाई नहीं देती है।
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सरल ढंग से आत्मा को समझाया है। उन्होंने कहा ये हमारी जो आत्मा है वो कहाँ रहती है, हमारी बॉडी स्थूल है, उसमें दो शरीर है सूक्ष्म, एक तेजस शरीर और उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है कर्म शरीर। कर्म शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है। आत्मा को जानने के लिए उपनिषद में भी प्रयोग किए गए, उपनिषद में भी आत्मा को जानने की बात कही गई है। श्वेत केतु और उद्दालक का बहुत ही रोचक प्रसंग वहां मिलता है। उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु गुरुकुलवास की पढ़ाई करके आता है। उनका जो पुत्र श्वेत केतु था पढ़ाई में बड़ा होशियार था, प्रतिभा संपन्न था। जो भी परीक्षाएं होती थी उसमें वह फर्स्ट आता था। बहुत सारे स्वर्ण पदक भी मिले थे, जिसके कारण श्वेत केतु को ज्ञान का अहंकार हो गया था। पिता ने देखा पुत्र पढ़ लिख करके भी अज्ञानी का अज्ञानी रह गया है। पिता प्रसन्न नहीं हुए। पिता ने पुत्र से प्रश्न किया, बेटा तुमने गुरुकुलवास में क्या क्या पढ़ाई की? श्वेत केतु ने कहा, पिताजी मैंने गुरुकुलवास में साइंस पढ़ा है, मैंने भूगोल पढ़ा है, मैंने खगोल पढ़ा है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। लंबी लिस्ट पिताजी के सामने रख दी। पिताजी ने कहा, बेटे क्या तुमने आत्मा को जाना, आत्मा को पहचाना ऐसी कोई पढ़ाई की? पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की, क्योंकि हमारे कोर्स में ऐसी कोई चीज नहीं थी। आत्मा को कैसे जान सकते हैं, आत्मा क्या होता है, मैंने ऐसी पढ़ाई नहीं की। पिता ने कहा, अरे बेटे अगर तुमने आत्मा को नहीं जाना, आत्म विद्या को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आत्म विद्या ही परम विद्या है, आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। इसीलिए आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। आचारंग सूत्र का प्रारंभ भी आत्मा से होता है। आचारंग सूत्र में कहा गया जे एकम जाने से सबम जाने, जो एक को जानता है वह सबको जानता है। एक अर्थात जो एक आत्मा को जानता है, यानी जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने सब जान लिया। आचार्य कुंदकुल भी समय सार में कहते हैं, जिस व्यक्ति ने आत्मा को जान लिया समझो उसने द्वादसांगी रूप जिनवाणी को जान लिया। क्योंकि द्वादसांगी यानी जो 32 आगम है उसमें 12 अंग, 11 अंग 12 उपांग, ये जो 11 अंग ऐसे टोटल 12 थे, दृष्टिवाद लुप्त हो गया इसलिए पहले के जमाने में 12 अंग माने जाते थे। तो 12 अंगों का जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान किसका है? आत्मा का ज्ञान है। जिसने आत्मज्ञान को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। कबीरदास जी भी कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति मथुरा काशी कहाँ कहाँ भटकता है पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया, इसीलिए व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। सुख कहाँ है, अंदर या बाहर?
हमारी आत्मा में सुख है। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी भी गीत गाते हैं, गीत में लिखते हैं सुख कहाँ है। आए आए हवा आए अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। सुख कहाँ है? हमारी आत्मा में। अपने घर भीतर आने से व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी बन सकता है। आत्मा का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को दुखी होने की जरूरत नहीं। क्यों? आत्मा क्या है? जीव, जीव की गुण, जीव की क्रियाएं, इन सब को आत्मा कहते हैं। आत्मा के बारे में दो प्रकार की विचारधारा मिलती है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक विचारधारा जो आत्मा को, परमात्मा को, पुनर्जन्म को मानती है, नास्तिक विचारधारा आत्मा को, परमात्मा को, पुनर्जन्म को नहीं मानती है। भारतीय दर्शन में प्राय सभी दार्शनिक चार्वाक को छोड़कर आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। चार्वाक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि चार्वाक कहता है आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका होगा। शरीर के नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है। लेकिन आस्तिकवादी दर्शन कहता है शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। प्रश्न है आत्मा क्या है? आचार्य नेमी चंद्र शास्त्री ने कहा है अततम सततम गच्छति इति आत्मा, जो निरंतर ज्ञान आदि गुणों में गमन करती है उसे आत्मा कहा जाता है। आचार्य तुलसी जैन तत्व विद्या में कहते हैं जी जीव के गुण, जीव की क्रियाएं, इन सबको आत्मा कहा जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा अरुज, अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा को कोई रोग नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। ये जो डेथ और बर्थ किसका होता है? शरीर का होता है। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है, श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है देह मरे छे हूं नथी मरतो अजर अमर पद मारो। शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मैं अजर हूं, अमर हूं और अविनाशी हूं। कई लोगों ने आत्मा को जानने का प्रयास किया फिर भी आत्मा को क्यों नहीं जान पाए? आचार्य सूत्र में कहते हैं से न सद्दे न रूवे न गंधे न रसे न फासे। आत्मा को हम क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि आचार्य सूत्र में कहा है आत्मा का न शब्द होता है, न रूप होता है, न गंध होता है, न रस होता है, न स्पर्श होता है। इसीलिए हम आत्मा को जान नहीं सकते हैं। आगे आचार्य सूत्र में बहुत सारे सूत्र आए हैं, उनमें यहाँ तक कहा गया आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न गोल है, न चौकोर है, न त्रिकोण है, न काली है, न गोरी है।
आत्मा को हम जान नहीं सकते, आत्मा को हम समझा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा है वो अमूर्त है, उसको हम बता नहीं सकते कि आत्मा किस रूप में है, क्योंकि आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है। जैन दर्शन में कहा है आत्मा कैसी है, उत्तर झेणाड़ी जो सूत्र है आगम, इसमें 36 चैप्टर है, उसमें से 19वां चैप्टर है, उसमें यह श्लोक जो दिखाई दे रहा है, उस श्लोक में कहा गया है अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिये सुपट्ठियो। आत्मा कर्मों की करता है, आत्मा ही कर्मों की भोक्ता है। कर्म का अर्जन भी आत्मा करती है, बंधन भी आत्मा करती है, और उसका फल भी आत्मा ही भोगती है। जैन दर्शन का यह स्पष्ट मंतव्य है कि जो आत्मा कर्म का बंध करेगी उसी को उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म कोई करता है और फल कोई भोगता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो कर्म करेगा जैसा करेगा उसका फल उससे ही भुगतना होगा, ये जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है। इसलिए आत्मा को कर्म का कर्ता और कर्मों का भोक्ता कहा गया है। आत्मा ही सुख दुख का कर्ता है और आत्मा ही सुख दुख को भोगने वाला है। आत्मा ही हमारा मित्र है, आत्मा ही हमारा शत्रु है। जब दुष्प्रवृत्ति यानी बेड एक्टिविटी जब हम करते हैं तब हमारी आत्मा हमारा दुश्मन बन जाता है। जब हम गुड एक्टिविटीज करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वभाव कैसा है, संकोच विकोच का स्वभाव है। यानी आत्मा को जैसा शरीर मिलता है वैसे ही शरीर में आत्मा के सारे प्रदेश समाहित हो जाते हैं। सपोज उसको हाथी का शरीर मिला तो हाथी के शरीर में आत्मा के जो असंख्य प्रदेश होते हैं वो समाहित हो जाते हैं। सपोज उसको ये कीड़े मकोड़े आपको दिखाई दे रहे, चींटी बन गई कभी आत्मा, कभी मकोड़ा बन गया, तो चींटी की आत्मा में भी असंख्य आत्म प्रदेश समाहित हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा का एक गुण है संकोच विकोच। यानी आत्मा अपने प्रदेशों को संकुचित भी कर सकती है और फैला भी सकती है। आत्मा के भगवती सूत्र में 23 नाम आए हैं। फर्स्ट है जीव, आत्मा को जीव भी कहा जाता है। जीव क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीव जीता है, जीता था, जीता है और जिएगा, इसलिए उसको जीव कहा जाता है। प्राण भूत सत्व, आत्मा को प्राण भी कहा जाता है, आत्मा को सत्व भी कहा जाता है, आत्मा को भूत भी कहा जाता है। इनकी सारी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, विस्तार से आपको पढ़ना हो तो भगवती सूत्र का जो 20वां शतक है उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लंबी चर्चा नहीं करेंगे, हमें संक्षेप में करना है, इसलिए केवल नाम नाम में पढ़ रही हूँ। आत्मा का एक नाम है विज्ञान। आत्मा को वेद भी कहा जाता है, आत्मा के लिए जीवाश्ति का नाम भी आता है, आत्मा को चेता भी कहा जाता है, आत्मा को जेता भी कहा जाता है, आत्मा के लिए आत्मा शब्द भी है, और रंगन हिंडुक उद्गल मानव कर्ता विकर्ता, कर्ता विकर्ता की तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। आत्मा कर्म का कर्ता भी है, कर्म का भोक्ता भी है, और आत्मा क्या है, जगत भी है। आत्मा के लिए जंतु शब्द का भी प्रयोग होता है, आत्मा के लिए योनि शब्द का भी प्रयोग होता है, और स्वयंभू सशरीरी नायक और अंतर आत्मा, ये 23 नाम है आत्मा के। इसके अतिरिक्त आत्मा के 3 प्रकार मिलते हैं, बहिरात्मा
अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जिनका रुझान बाह्य विषयों पे रहता है, यानी बाहर के जो भौतिक आकर्षण है वे ही उनको अच्छे लगते हैं, बाहरी जो विषय है उसी में वो रचा पचा रहता है। अंतरात्मा व्यक्ति अपनी आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में रमण करना ही उनको अच्छा लगता है। परमात्मा कब बन सकते हैं? जब हम आठों कर्मों से मुक्त हो जाए तब हम परमात्मा बन सकते हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तो जैन दर्शन में कहा है आत्मा परमात्मा बन सकती है। आत्मा में वो ताकत है, आत्मा ही नहीं रहेगी लेकिन आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त कर सकती है। आत्मा में क्वालिटीज है, 8 qualities, ये 8 quality आत्मा में है। प्रत्येक आत्मा में, ऐसे नहीं मेरी आत्मा में आपकी आत्मा, प्रत्येक आत्मा में यह 8 quality आत्मा की है, वो विद्यमान है, फिर भी हमें दिखाई पूर्ण रूप से क्यों नहीं देती? थोड़ी तो हम देखते हैं, क्योंकि किसी की बुद्धि ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, इससे पता चलता है इनमें ज्ञान की अच्छी क्वालिटी है। लेकिन पूर्ण रूप से हमारा ज्ञान, हमारे जो दर्शन है, वो सारे गुण क्यों प्रकट नहीं होते हैं? कहा गया पूर्ण रूप से इसलिए प्रकट नहीं होता है क्योंकि हमारी आत्मा पर कर्मों का आवरण आया हुआ है। जैसे आकाश में सूर्य हो लेकिन उस पर बादल आ जाए तो क्या सूर्य दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य पर बादल का आवरण आ गया है। वैसे ही आत्मा में भी केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, फिर भी हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कर्म का सघन आवरण आया हुआ है, इसीलिए हम अपने भीतर विद्यमान गुणों को भी नहीं जान पा रहे हैं। अब प्रश्न है कि आत्मा और कर्म का जो रिलेशन है दोनों के बीच में, वो कब से है? भगवान महर्षि कहते अनादि काल से आत्मा और कर्म का संबंध चला आ रहा है। इसको हम बता नहीं सकते कि आत्मा और कर्म का संबंध कब से है, अनादि काल से है। आत्मा और कर्म वो कैसे सेपरेट हो सकते हैं? वो सेपरेट हो सकते हैं साधना के द्वारा। जैसे सोने को तपाने से उसकी मिट्टी अलग हो जाती है, सोना अपने स्वरूप में आ जाता है, वैसे ही तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा आत्मा और कर्म को अलग किया जा सकता है। कर्म एंड क्वालिटीज ऑफ आत्मा, 8 कर्म और आत्मा की क्वालिटी भी 8। ऐसे आत्मा के अनंत गुण हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से आत्मा के 8 गुणों की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कर्म भी 8 है, इसलिए आत्मा के मुख्य रूप से 8 गुणों का ही हमें उल्लेख मिलता है। तो ज्ञानावणी कर्म जब क्षय होता है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक ज्ञानावणी कर्म का क्षय नहीं होता है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानावणी कर्म का क्षय कैसे करें? उसके लिए हम स्वाध्याय करें। जितना स्वाध्याय करेंगे ज्ञानावणी कर्म क्षय होता जाएगा। दर्शनावाणी कर्म का क्षय करने के लिए हम क्या करें? देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा करें, जिससे हमारा दर्शनावाणी कर्म क्षय होता जाएगा और केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा। वेदनीय कर्म जब क्षय होगा तब आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। मोहनीय कर्म क्षय होगा तब सम्यक श्रद्धा की प्राप्ति होगी। तो आयुष्य कर्म का क्षय होगा तब अटल अवगाहन जो आत्मा का गुण है वो प्राप्त हो जाएगा। नाम कर्म का क्षय होगा तब अमूर्तिकपन, यानी नाम कर्म के आधार पर, यानी नाम कर्म से हमें शरीर मिलता है,
जब नाम कर्म का क्षय हो जाएगा तब अमूर्तिकपन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा क्या है, अमूर्त है, आत्मा में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है। तो अमूर्तिकपन प्राप्त हो जाएगा कब, जब नाम कर्म का क्षय होगा। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म का क्षय होने से क्या होगा, अगुरु लघुपन की प्राप्ति होगी, और अंतराय कर्म का क्षय होगा तब हमें लब्धि की प्राप्ति होगी। ये आठों कर्म को क्षय करेंगे तब ये आठ गुण प्रकट होंगे। आत्मा के जो प्रकार है वह अलग अलग क्यों है, मूल आत्मा तो हमारी क्या है, द्रव्य आत्मा है। इसे आत्मा तो आठ है, आठ आत्मा में एक आत्मा द्रव्य है, शेष सात आत्मा को क्या कहा जाता है, भाव आत्मा कहा जाता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति के भाव होते हैं वैसे वैसे हम उनको उसी नाम से पुकारते हैं। सपोज किसी ने क्रोध किया तो कहेंगे ये क्रोध आत्मा है, सपोज किसी ने मान किया तो कहेंगे मान आत्मा है। तो मिक्सअप होता जाता है, जैसे जैसे मिश्रण होता जाता है वैसे वैसे वो भाव आत्मा के नाम से वो पुकारी जाती है। जैसे कोई मुनि है वो कब होता है, जब मौन करता है तो मुनि कहलाता है, साधना करता है तब साधु कहलाता है, श्रम करता है तब श्रमण कहलाता है। तो डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, आत्मा के भी वैसे अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, लेकिन मेन आत्मा क्या है, एक द्रव्य आत्मा है, शुद्ध आत्मा। मुख्य रूप से हम आत्मा के आठ प्रकारों की चर्चा करते हैं, आठ प्रकार में एक द्रव्य आत्मा और शेष सात आत्मा है। तो आत्मा के आठ प्रकार कौन से हैं, एट टाइप्स ऑफ आत्मा, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। सबसे पहली आत्मा है द्रव्य आत्मा। तो द्रव्य आत्मा कैसी है, प्योर आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, ओरिजिनल आत्मा है, मूल आत्मा है और परमानेंट यानी शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। आत्मा कभी अनात्मा नहीं होगी, यानी जीव कभी अजीव नहीं होगा, हमेशा जीव ही रहेगा, क्योंकि भगवती सूत्र में 23 नाम आए हैं, उसमें आत्मा के लिए एक नाम है जीव। जीव कहो चाहे आत्मा कहो एक ही चीज है, ये आत्मा है, परमानेंट है, कभी भी उसका स्वरूप समाप्त नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का हम ले सकते हैं, और एग्जाम्पल के लिए जैसे सोना होता है, सोने से आपने चेन बना ली, आपके पास सोने की चेन थी, सोने की चेन अब आपको लगा के बहुत पुरानी हो गई, उससे हम कंगन बना लेते हैं, आपने चेन को तुड़वा करके कंगन बना लिए। सोना सोने के रूप में, चेन के रूप में भी सोना था और कंगन बनाने तो भी सोना है। वैसे ही आत्मा अलग अलग गतियों में जाती है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है वो आत्मा के रूप में रहता है, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा उसी रूप में रहती है। कर्म के अनुसार उसको गति मिल जाती है, अगर बुरे कर्म किए तो वो नरक गति में भी जा सकती है, हिरंज गति में भी जा सकती है, जैसे कर्म वैसे उसको गति मिलती है। तो द्रव्य आत्मा मूल आत्मा हमारी है। कषाय आत्मा, चार कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। कस प्लस आय, कस का मतलब होता है संसार, आय का मतलब होता है प्राप्ति। ये जो जन्म और मरण, डेथ और बर्थ, उसका मेन कारण क्या है, हमारा कषाय। ये बार बार जन्म बार बार मरण वो क्यों होता है, हमारा कषाय इतना तीव्र होता है जिसके कारण जन्म मरण बार बार होता है। कई व्यक्ति होते हैं इनका कषाय शांति होता है, लेकिन कषाय तीव्र हो तो उसके अनुसार गति मिलेगी, अगर शांत कषाय है, मंद कषाय है तो उसको अच्छी गति मिलेगी,
लेकिन जब तक कषाय समाप्त नहीं होगा तब तक संसार में परिभ्रमण रहेगा। ये जो चार कषाय है उसको हम दो भागों में भी विभाजित कर सकते हैं, राग और द्वेष। रागो ये दोषो ये कम वियम, राग और द्वेष ये दो कर्म बंधन के मूल कारण है, बीज है, इसको बीज कहा गया है। इसीलिए राग और द्वेष को हमें कम करना है। ये जो चार कषाय है, चार कषाय वो हमारा क्या नुकसान करती है, तो दसवीं काली क्षेत्र में भगवान महावीर कहते हैं कोहो प्रेम पणासी, क्रोध प्रीति का नाश करता है, यानी हमारे जो गुड रिलेशन है उसको वो समाप्त करता है। मान क्या करता है, मानो विनय नाशनो, मान विनय का नाश करता है, हमारे भीतर जो पोलाइटनेस है विनय है उस भाव को समाप्त करता है। माया हमारी जो फ्रेंडशिप है उसको वो समाप्त करती है। लोहो सब विनाशनो, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ समाप्त कर देता है लोग, उसको हम कैसे जीते। तो क्रोध को जीतने के लिए हमें क्या करना है, क्षमा करना है, फॉरगिवनेस। जितना फॉरगिवनेस का हम विकास करेंगे उतना उतना हमारा क्रोध समाप्त होता जाएगा। मान को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना है, मृदुता का अभ्यास करना है, कोमलता, कठोरता नहीं, कोमलता को अपनाना है। माया, माया को हमें जीतने के लिए सरलता को अपनाना है। जो व्यक्ति जितना सरल होता है, रिजु होता है, उस व्यक्ति के हृदय में धर्म टिक सकता है। जो व्यक्ति कुटिल होता है, जो मायावी होता है, जो छल कपट करता है, उस व्यक्ति में धर्म कभी भी नहीं टिक सकता है। सुई सीधी होती है वो क्या करता है, करती है जोड़ने का काम करती है, कैंची टेढ़ी होती है वो काटने का काम करती है। तो मायावी छल कपटी व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को भी धोखा देता है और अपनी आत्मा को भी वो कर्मों से भारी करता है। और माया से व्यक्ति तिरंज गति में भी जा सकता है। तिरंज गति का एक कारण है माया। लोभ को हमें जीतना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, लिमिटिंग डिजायर, जो हमारी इच्छाएं हैं उसको हम क्या करें, लिमिट करें। अगर हम क्रोध करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट्स ऑफ क्रोध। जो चंड कौशिक आपको दिखाई दे रहा है वो चंड कौशिक नाम पूर्व जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में साधु था, साधु का चित्र देख रहे हैं आप। तो साधु ने क्या किया जिसके कारण उनको चंड कौशिक सर्प बनना पड़ा। साधु था लेकिन साधु होकर के भी गुस्सा किया, गुस्सा करने का रिजल्ट यह हुआ उनको चंड कौशिक नाग बनना पड़ा। चंड कौशिक नाग ने, भगवान महावीर ने जब उनको समझाया, बुज बुज चंड कोशिया, ये चंड कौशिक तुम जागो, याद करो पूर्व जन्म को, पूर्व जन्म में तुम कौन थे, तुम साधु थे लेकिन तुमने गुस्सा किया, तुमने अपने मनुष्य भाव को बिगाड़ दिया, अब सुधारो। चंड कौशिक आंख बंद करता है, देखा अरे पूर्व जन्म में साधु था, गुस्से के कारण मैंने अपना मनुष्य भाव बिगाड़ दिया, अब मुझे अपने जन्म को सुधारना है। उसी समय शांत हो जाता है और अनशन स्वीकार कर लेता है। 15 दिन के अनशन में उनकी मृत्यु होती है पूरे शांत भाव से। परिणाम स्वरूप कहा जाता है, 8वें देवलोक में चला जाता है। साधु का भाव तो बिगाड़ दिया गुस्सा करके, लेकिन चंड कौशिक जो सर्प था, सर्प के भाव में शांति रखी, समता रखी, परिणाम स्वर्ग में जन्म हो गया। योग आत्मा, जीव की जो प्रवृत्ति है, एक्शन है, वो एक्शन हम कहां से करते हैं, मन वचन और काया से। जो भी हम
एक्टिविटीज करते हैं वो सब योग के अंतर्गत आती है। एक्टिविटीज अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर बुरी एक्टिविटीज हम करते हैं उससे पाप कर्म का बंध होता है। सपोज आप नेगेटिव थॉट्स करते हैं, किसी को हर्ट हो वैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और अनावश्यक बॉडी को हिलाते हैं या अपने शरीर से किसी जीव की हत्या करते हैं, उससे पाप कर्म का बंध होता है। इसीलिए हमें सावधान रहना है। कोई भी हम काम करें पूरी जागरूकता के साथ करें, माइंडफुलनेस, एक आजकल मेडिटेशन चलता है माइंडफुलनेस का, हम जो भी काम करें भाव क्रिया के साथ काम करें जिससे कर्म का बंधन कम होगा। उपयोगात्मा जीव का लक्षण है उपयोग, जो चेतना का व्यापार है वो उपयोग कहलाता है। उपयोग भी दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान उपयोग और एक दर्शन उपयोग। तो ज्ञान उपयोग क्या है और दर्शन उपयोग क्या है? दर्शन का मतलब हम जो सामान्य देखते हैं वो दर्शन कहलाता है, लेकिन जब हम विशेष विश्लेषण करते हैं वो क्या होता है? उपयोग होता है। ज्ञान आत्मा, ज्ञान आत्मा का गुण है। हमें क्या करना है? ज्ञान का अभ्यास करना है। जितना जितना हम ज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं उतना उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। और ज्ञान एक ऐसी वस्तु है अगले जन्म में भी साथ जाती है। सपोज आपने यहाँ 32 आगमों का स्वाध्याय किया, यह आपको अगले जन्म में भी आपको थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे आपको याद आ जाएंगे। आपको सीखने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपको ज्ञान हो जाएगा, याद हो जाएगा। दर्शन आत्मा, तो दर्शन आत्मा में व्यक्ति सही भी सोच सकता है और बुरा भी, क्योंकि इसमें दर्शन जो सम्यक दृष्टि वाला है वो जो भी करेगा उसका सब राइट होगा। जो मिथ्या दृष्टि है उनका जो भी दर्शन होता है वो रोंग होता है। ये दर्शन आत्मा के लिए हमें क्या करना है? तात्विक श्रद्धा यानी नौ तत्वों की जानकारी और उस पर हमें श्रद्धा करना है, जानकारी पहले करना है, उसके बाद देव गुरु धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा करना है जिससे हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। सम्यक दर्शन जब आएगा तब हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन पक्का होगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा तब तक हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं। चारित्र आत्मा, चारित्र आत्मा में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सब रुक जाती है, यानी पापकारी प्रवृत्ति सब रुक जाती है और इसमें संवर की साधना हो जाती है। 5 आश्रव 18 पापों का त्याग होने से जो भी आश्रव के माध्यम से कर्म आ रहे थे वो सारे स्टॉप हो जाते, रुक जाते हैं। वीर्य आत्मा, वीर्य आत्मा क्या है? हमारी शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, आत्मा का पावर है, आत्मा की एनर्जी है। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, हम अपनी शक्ति को जान नहीं रहे हैं। दूसरों के बारे में हम चिंतन करते हैं लेकिन हम अपने बारे में चिंतन नहीं करते हैं। हम अनंत शक्ति संपन्न हैं, अपनी शक्ति को हमें जागृत करना है। तो शक्ति को जागृत करने के लिए हमें क्या करना है? ध्यान करना है। जितना हम ध्यान करेंगे उतनी हमारी आत्मा की जो पावर है वो जागृत होगी। उसके साथ साथ हमें क्या करना है? आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए हमें भेद विज्ञान करना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत भेद विज्ञान का प्रयोग बताया जिसे हम कायोत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग में हम क्या करते हैं? आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा अलग है शरीर अलग है, उसका हम चिंतन करते हैं।
आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, यह चिंतन करते हैं और धीरे धीरे हमें क्या करना, आत्मा में ही लय होना है। आत्मा हमारा मूल घर है, तो मूल घर में हमें आना है, अपने घर में आना है। अपने घर में आने से ही व्यक्ति को आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। तो अपने घर में आने के लिए, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए हमें क्या करना है, वेद विज्ञान का प्रयोग करना है, उसके साथ साथ मेडिटेशन का प्रयोग करना है और भावों की शुद्धि रखना है। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि, जितने हमारे भाव अच्छे रहेंगे उतने उतने कर्म हल्के होते जाएंगे। तो आत्म स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम मेडिटेशन करें, वेद विज्ञान का अनुभव करें यानी काय सर्ग का प्रयोग करें, और जब भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, जिससे हमारे जो आत्मा पर लगे हुए कर्म है वो हल्के हो और एक दिन ऐसा आए हम कर्म, हमारी आत्मा पर जो लगे हुए कर्म है उसको हम क्षय करके हमारा जो चरम और परम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सके। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। जन्मनामी महाराज, शुद्ध आत्मा वही परम है या हर आत्मा परम है? जैसे मान लीजिए मैंने मनुष्य का जन्म लिया है, इस